In the previous concept, we had seen how to generate power from thermal power plant, right? अब हम देखने जा रहे हैं power plant based on nuclear energy. तो अब thermal energy use नहीं करेंगे. पिछली बार जैसा coal energy use कर रहे थे, कोयला जला रहे थे, अब यहाँ पर वो energy नहीं, अब thermal energy, nuclear energy use करेंगे, right? So I can say power plant using nuclear energy. Power plant using न्यूक्लियर एनर्जी. अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है मैं आपको बताता हूं दोस्तों. पावर प्लांट पे जाने से पहले न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूं, ठीक है? देन हम पावर प्लांट पे जाएंगे. मैंने स्कीमेटिक बनाया बड़ा सा, जिस तरह से पहले भी बनाया था अभी भी बनाया है, ठीक है? सो व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? तो दोस्तों आपको पता है यूरेनियम करके एक एटम होता है, राइट? यूरेनियम और इवन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यू यूज प्लूटोनियम. जनरली यूरेनियम यूज होता है, कभी कभी प्लूटोनियम भी यूज कर सकते हो. ओके, uranium has an atomic number of 235, right? 235 atomic, I'm sorry, not atomic number, atomic mass of 235. So uranium हम लिया. What is nuclear energy? पहले nuclear energy के बारे में आपको बता रहा था ना, ठीक है? तो हम uranium लेंगे, uranium जिसका mass है 235, ठीक है? uranium एक element है, अगर आप चाहो तो इस uranium element को अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो, ठीक है? लोकेट करना, यू से यूरेनियम दिखाया जाएगा. ओके, जाके देखना ये कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 या 3, राइट? साइंस 1 में जो हमारा पीरियोडिक टेबल जहां हमने पढ़ा था ना, वहां पर है, ठीक है? सो इस एलिमेंट को क्या करेंगे पता है, हम इसको ऐसा गोली से मारेंगे. अब आप सोच रहे हो सर गोली से मारेंगे? नहीं, गोली से नहीं मारेंगे, इसे हम न्यूट्रॉन से हिट करेंगे. एक न्यूट्रॉन लेंगे, उसको जोर से मारेंगे, ठीक है? हाथ से नहीं, वाय सम रिएक्शन. ओके, सो वील बॉम्बार्ड इट. सो यूरेनियम को क्या करना है, वील बॉम्बार्ड इट विद अ न्यूट्रॉन, बॉम्बार्ड इट विद अ न्यूट्रॉन. जैसे ही मैंने इसे बॉम्बार्ड किया एक न्यूट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा, एक पहले से 235 था, एक न्यूट्रॉन आने की वजह से अभी 236 हो जाएगा, राइट? सो दिस विल बिकम, ऑन बॉम्बार्डिंग दिस विल बिकम यूरेनियम 236. नाउ ये जो यूरेनियम 236 है, इट इज वेरी अनस्टेबल. पहले वो 235 वाला स्टेबल था, जैसे ही एक आया अब वो अनस्टेबल हो गया, राइट? बराबर, यू कैन जस्ट इमेजिन इट दिस वे. पहले वो अपना चुपचाप बैठा था, अचानक से कोई आया, टपली मारा और वो जाग गया. जाग गया मतलब अनस्टेबल हो गया, राइट? सो दिस बिकेम अनस्टेबल. अब वो अनस्टेबल कंडीशन में रह नहीं सकता, वो एकदम घबरा गया. अब उसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेकअप होना पड़ेगा, राइट? कोई भी अनस्टेबल चीज ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती है, वो गिर जाएगी या ब्रेकअप हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मुझे इस पेन को ऐसा बैलेंस करना है, ऐसा रख के बैलेंस करना है, कर सकता हूं क्या? गिर जाएगी, राइट? क्यों गिर जाएगी? बिकॉज वो अनस्टेबल है, राइट? सो उसी तरह से यूरेनियम ब्रेकअप हो जाएगा. कितने में ब्रेकअप होगा पता है? 2 एलिमेंट्स में ब्रेकअप होगा. इट विल बी ब्रोकन अप इनटू क्रिप्टन एंड बेरियम. किस में ब्रेकअप होगा? 2 पार्ट्स में ब्रेकअप होगा, बेरियम और क्रिप्टन, ठीक है? बट ड्यूरिंग दिस ब्रेकअप, जब वो ब्रेक होता होगा तो साथ में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करेगा. जब भी कोई चीज टूटती है ना, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है. इसका एग्जाम्पल देता हूं. लेट्स से घर में एक ग्लास लो, उसको छोड़ दो तो ग्लास टूट जाएगा, राइट? पानी का ग्लास होगा, ग्लास होगा, बराबर. तो जब वो टूटता है तो बहुत सारे पीसेस में टूटता है, राइट? और जब वो टूटता है तो कौन सी एनर्जी आती है? साउंड एनर्जी आती है, बराबर. साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठार करके आवाज आएगी, राइट? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली उसी तरह से, जिस तरह से ये यूरेनियम 236 ब्रेकअप हो रहा है, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा. नाउ दैट इज, दैट एनर्जी इज हाउ मच, यू नो, दैट इज अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो आई कैन से ड्यूरिंग ब्रेकअप 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड. दोस्तों दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप, ये ब्रेकअप वाले प्रोसेस को है ना, कहते हैं फिशन. क्या कहते हैं इसे? फिशन. सो व्हाट इज फिशन? सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन. सो न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई. ब्रेकिंग अप ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेकअप होता है
विच रिलीजेस एनर्जी, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही एक ब्रेकअप होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उसके आसपास वाले भी ब्रेकअप होना चालू हो जाएंगे, राइट, बराबर। क्योंकि अगर मैं एक बात बोलूं, लेट्स से मेरे पास बहुत सारे पटाखे हैं, ठीक है, मैं एक पटाखे को जलाता हूं तो जैसे एक फटता है बाकी दूसरे भी सब फटने लगते हैं, राइट, बराबर। दिवाली में आपने देखा होगा लड़ी, इसके लिए कहते हैं, एक जगह लड़ी को लगाया, माचिस लगाए, आग लगाया, पहले वाली फटी तो उसके बाद में दूसरी वाली फटने लगती है, राइट। उसी तरह से एक एक न्यूक्लियर या एक एक आई में से यूरेनियम का न्यूक्लियर ब्रेकअप होना स्टार्ट होगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी दे रहा था, तो एक साथ सब ब्रेकअप हो गए तो क्या हालत हो जाएगी, राइट, इतनी सारी एनर्जी मिलेगी। हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन, एक के बाद दूसरा फूटा, दूसरे बाद तीसरा फूटा, राइट। सो दब आई कैन से वन न्यूक्लियर फिशन गिव्स राइज टू अनदर न्यूक्लियर फिशन, another nuclear fission, and it continues. This is called chain reaction. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं chain reaction. एक के बाद एक. This is called chain reaction. और दोस्तों आप देख सकते हो कितनी सारी energy release हो रही है, right? तो हमें जरूरी है कि जो reaction है इसे हम control करके रखें। एक साथ सब फोड़ दिया तो पूरा पावर प्लांट जल जाएगा, राइट, पूरा आग लग जाएगी। हमें आराम से कंट्रोल करके करना है, ठीक है। सो आई कैन जस्ट राइट दैट डाउन, द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हैज टू बी कंट्रोल्ड, ओके, फाइन। ऐसे हमें प्रॉपरली कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। सो ये बारी हो, ये पूरी बात हो गई, हमारी डिस्कशन हो गया रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पार्ट, ओके, फाइन। नाउ लेट अस सी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसे हम किस तरह से पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इट इज वेरी सिमिलर टू योर थर्मल पावर प्लांट, वही होने वाला है। देखो, थर्मल पावर प्लांट में कौन एनर्जी दे रहा था? जब बॉयलर को एनर्जी कौन दे रहा था, बराबर। सो बॉयलर को एनर्जी, मेरा कोल जब बर्न होता था, कोयला जलता था, तो मेरा बॉयलर को हीट देता रहा था, राइट। यहां पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस एक छोटा सा यही चेंज है, इंस्टेड ऑफ कोल वी विल हैव अ न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट। एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो अब हीट मेरे बॉयलर को देगा, दैट विल कन्वर्ट द वॉटर टू स्टीम, राइट। सो वर्किंग में बात करूं, क्विक पॉइंट्स लिखता हूं, जल्दी से लिखता हूं। सो द न्यूक्लियर रिएक्टर generates heat, okay, वो एक control nuclear reactor, आप देख सकते हो कुछ control pods लगाए गए, यहाँ पर uranium होता है, ये heat generate करके ऐसा पानी की तरह, और इसमें पानी होता है, ठीक है, गर्म पानी, वो पानी या कोई liquid होता है जो ऐसा flow होता रहता है continuously, जो हमारे boiler को क्या करता है, heat करता है, ठीक है। यहाँ गर्म हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर गर्म हुआ, ऊपर ऐसा पानी सर्कुलेट, यू कैन ईदर सर्कुलेट वाटर और सम अदर लिक्विड ऑल्सो, राइट। सो द न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट्स हीट विच इट गिव्स टू द बॉयलर वेयर द वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम, राइट, वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम। Now, ये जो स्टीम है जो बॉयलर से निकली, हमें पता है अब ये कहां जाएगी, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम है, ये जाएगी और टर्बाइन को ड्राइव करेगी, राइट, टर्बाइन मेरा जनरेटर को ड्राइव करेगा, राइट। सो लेट मी क्विकली राइट दीज पॉइंट्स डाउन, जल्दी से लिख लेता हूं। दिस हाई टेम्परेचर, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड हाई प्रेशर स्टीम विल drive the turbine, which in turn will drive the generator producing electrical energy
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। ओके अब दोस्तों थर्ड पॉइंट हम क्या लिखते हैं, हमें पता है अब ये जो स्टीम जो फाइनली टर्बाइन में से निकल के आ रही है, मैं यहां पर टर्बाइन लिख देता हूं, ठीक है, मैंने लिखना भूल गया। अब फाइनली इसे हम ठंडा करेंगे, राइट, इन अ कंडेंसर, रफली यू कैन ट्रीट दिस एरिया एज अ कंडेंसर, यहां पर एक कंडेंसर की तरह ही कुछ होगा, ठीक है। सो दिस स्टीम हैज टू बी कूल टू वॉटर एंड देन सप्लाइड बैक टू द बॉयलर, फिर से वो बॉयलर में सप्लाई बैक हो जाएगा, ठीक है। सो द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन इज कूल्ड टू वॉटर, ओके, वो वॉटर में कूल हो जाता है एंड पंप्ड बैक अगेन टू द बॉयलर, ओके। और ये स्टीम को कूल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कूलिंग टावर यूज करते हैं, राइट, हमें पता है कोल्ड वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर कम्स और वार्म वाटर फिर वापस जाता है, राइट। सो द कूलिंग ऑफ द स्टीम इज डन बाय द वॉटर इन द बाय द वॉटर सर्क्यूलेटिंग इन द आई मे से कूलिंग टावर सर्क्यूलेटिंग फ्रॉम द कूलिंग टावर, चाहिए तो आप यहां पर भी एक पंप दिखा सकते हो, ठीक है, नीचे भी एक और पंप चाहे तो दिखा सकते हो, ठीक है, फाइन, ओके। सो दिस इज द बेसिक द कॉन्सेप्ट और द वर्किंग ऑफ माय व्हाट स्टीम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस सिर्फ यही चेंज है कि यहां पर अब कोल की जगह पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर आ गया, ठीक है। और आप देख सकते हो मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद रखा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है, अगर बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गए तो फट के ब्लास्ट हो सकता है, राइट, ओके, आई विल टीच यू दैट कि वो क्या डिजास्टर्स होते हैं, सो एंड एंड सो फोर्थ। बट इफ आई टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो डायग्राम, देन एनर्जी फ्लो डायग्राम इज ऑल्सो मोर और लेस द सेम, यहां पर वही हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके, फॉर यहां पर फॉर न्यूक्लियर फिशन द फर्स्ट थिंग आउट हियर इज देयर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर फॉर न्यूक्लियर फिशन, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फ्लो चार्ट, राइट, ये न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी एनर्जी किसे दे रहा है, ये अपनी एनर्जी दे रहा है बॉयलर को, राइट, और वो बॉयलर क्या कर रहा है, स्टीम को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, राइट, हमें पता है ये एनर्जी दे रहा है बॉयलर को, सो दिस गोज टू द बॉयलर टू कन्वर्ट वाटर टू स्टीम, वाटर टू स्टीम। फाइनली जैसे स्टीम बनी वो जाएगी टर्बाइन पे, राइट, वो जाएगी टर्बाइन पे और टर्बाइन ड्राइव करेगा मेरे जनरेटर को और जनरेटर से मिलेगी मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नीचे लिख रहा हूं बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस देयर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। पर दोस्तों ये जो टर्बाइन है यहां से बची हुई स्टीम कहां जाएगी, वापस बॉयलर को जाएगी, राइट, बराबर। सो जो टर्बाइन से स्टीम, देयर इज अ सिस्टम टू कूल the steam to water and send it back to the boiler, right? So I can just say, what is this? This is a cooling system to convert steam to water. और ये जो steam to water हो रहा है, ये जा रहा है बराबर बॉयलर को वापस जा रहा है, राइट, ओके, फाइन। तो बेसिकली सिस्टम वही है, सिर्फ कोल की जगह पे यहां पर आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों हम यूरेनियम या प्लूटोनियम यूज करेंगे, सो वी विल यूज यूरेनियम और प्लूटोनियम, ओके, आउट ऑफ दिस स्फीयर। नाउ लेट अस ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम भी बड़ा सिंपल है दोस्तों, वहां पर कोल में हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी थी, राइट, यहां तो वहां तो हमारे पास कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी थी, या न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले हीट बनेगी, राइट, गर्म कर रहे हम, न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले हीट एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी बनेगी, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देगी मेरी स्टीम को, राइट, बराबर, स्टीम हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन, क्योंकि टर्बाइन घूमने लगेगा और जैसे ही टर्बाइन घूमने लगेगा फाइनली वो जनरेटर को घुमाएगा एंड वी विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ओके, वी विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ओके फाइन. सो दिस इज द एनर्जी डायग्राम. सो दोस्तों लास्टली इन दिस लेट अस डिस्कस द लिमिटेशन या प्रॉब्लम्स विद, कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस करते, ठीक है. सो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेनिफिट्स भी है. क्या बेनिफिट्स है पता है? आप लोगों ने देखा कि वहां पर कहां पर थर्मल पावर प्लांट में हमारे पास कोल बर्न होता है, राइट. तो कोल बर्न होता है तो बहुत सारा स्मोक निकलता है, डस्ट निकलता है, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें निकलती है, राइट. पर यहां पर कुछ बर्निंग नहीं है, देयर इज नो बर्निंग ऑफ एनी कोल, राइट. सो ऐसा कुछ धुआं निकलते हुए हमें डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ओके. सो आई कैन से बेनिफिट्स क्या है, देयर इज नो बर्निंग ऑफ कोल, राइट. सो उसकी वजह से नो गैसेस. बट प्रॉब्लम्स भी है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और डिसएडवांटेजेस? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको कहा, एक साथ बहुत सारी एनर्जी निकल सकती है, राइट. वो डर है क्योंकि ये सब जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे, चाहे मैं यूरेनियम की बात करूं या प्लूटोनियम की बात करूं, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ओके. ये रेडियो एक्टिव है एंड दे कैन एमिट वेरी हार्मफुल रेडिएशन. सो फर्स्ट आई कैन से द यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. आई होप रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं आपको पता है, राइट. ये जो फिशन होता है ना, ऐसे मटेरियल्स को या ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, रेडियो एक्टिव कहते हैं, राइट. सो रेडियो एक्टिव, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव एंड एमिट्स न्यूक्लियर रेडिएशन. बहुत डेंजरस रेडिएशन निकलते हैं, ओके फाइन. और ये रेडिएशन बहुत नुकसान के लिए, इंसान को बहुत नुकसान कर सकते हैं, राइट. आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, हिस्ट्री में पढ़ा है दैट अमेरिका ने 1945 के आसपास जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था, राइट. जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए थे. जापान में आपको जगह का नाम भी आपने पढ़ा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, राइट. वो न्यूक्लियर बॉम्ब जब अमेरिका ने जापान पे ड्रॉप किया ना, तो बॉम्ब तो गया और उस बॉम्ब में से इतने डेंजरस रेडिएशन निकले कि ऑलमोस्ट 100,000 लोग मर गए, राइट. सो जस्ट इमेजिन कि कितना डेंजरस है. हेंस इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि बस न्यूक्लियर पावर प्लांट को हमने दिवाली की फुलझड़ी की तरह ऑन करा छोड़ दिया, सब मर जाएंगे, राइट. बहुत डेंजरस है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दैट, राइट. हेंस कंट्रोलिंग दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट. न्यूक्लियर रेडिएशन एक प्रॉब्लम है. सेकेंड प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते न्यूक्लियर वेस्ट, जब यूरेनियम बर्न हो जाता है या जो भी होता है यूज हो जाता है, तो उसका वेस्ट जो निकलता है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि कचरे की तरह कहीं पर भी फेंक दिया, राइट. प्रॉब्लम हो जाएगी, इट विल कॉज डेथ्स ऑफ पीपल, राइट. सो प्रॉब्लम इज, अनदर प्रॉब्लम इज न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल. उसका डिस्पोजल करना प्रॉब्लम है, राइट. एंड लास्टली अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर प्लांट इज दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक्सीडेंट्स बहुत फेटल है. एक बार अगर एक्सीडेंट हो गया मतलब पूरा पावर प्लांट ही जल जाएगा, ठीक है. एवरीथिंग विल बर्न, वेरी डेंजरस. सो एक्सीडेंट्स आर फेटल एंड कैन कॉज, एंड कॉज आई मे से हार्मफुल रेडिएशन निकलेंगे. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बताता हूं मैं, इंटरेस्टिंग चीज कंसेप्ट से रिलेटेड, टच करते हुए. आपने सुना होगा जापान में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2012 या 2013 में आया था, राइट. उस समय आया था, प्लस और माइनस टू इयर्स. उस समय जब भूकंप आया था ना जापान में, तो इनका ये जो बॉयलर है, ये जो बॉयलर का पूरा है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, भूकंप की वजह से ये क्या हो गया, पूरा डैमेज हो गया. इसमें फायर लग गया, आग लग गई. तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा लॉस हुआ. उसकी वजह से बहुत लोगों की जाने गई और कई दिनों तक ये जलता ही रहा, क्योंकि उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, राइट. हेंस कंट्रोलिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज अ प्रॉब्लम. इट्स नॉट वेरी इजी कि फेटल एक्सीडेंट हो गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन दैट, ओके. सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट और अ पावर प्लांट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी. मेक अ नोट ऑफ दिस, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट विल डील विद पावर जनरेशन यूजिंग नेचुरल गैस, ओके. फर्स्ट हमने कोल से पावर जनरेट किया, उसके बाद हमने न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेट किया. अब जब हम पावर जनरेट करेंगे तो हम यूज करेंगे नेचुरल गैस, ओके. आपको पता है दोस्तों दैट नेचुरल गैस जमीन के अंदर से मिलता है, राइट. फॉसिल फ्यूल में मिलता है, इट्स लाइक अ फॉसिल फ्यूल. वी गेट नेचुरल गैस एंड इट कैन बर्न. एक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल गैस इज योर सी एन जी, राइट. सी एन जी गाड़ी आप लोगों ने सुनी होगी,
वो गाड़ी जो गैस पे चलती है, राइट, मुंबई और पुणे में बहुत फेमस है ये सब कार्स, दिल्ली में भी बहुत फेमस है सीएनजी कार। तो सीएनजी कार में क्या होता है बेसिकली दोस्तों, दैट यू पुट गैस एंड द कार वर्क्स ऑन गैस, ओके। सो गैस कैन एक्ट एज अ फ्यूल, नेचुरल गैस कैन एक्ट एज अ फ्यूल, एंड लेट अस सी हाउ इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज पावर जनरेशन जनरेटिंग पावर और पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी फ्रॉम नेचुरल गैस, ओके। इसका थोड़ा जो स्कीमेटिक है ना, ये थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है, ओके। इसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। टोटल इन जनरल अगर बात करूं तो देयर आर ओनली फोर कॉम्पोनेंट्स हियर, ओके। फर्स्ट इज द कंप्रेसर, सेकेंड इज कंबशन चेंबर, फोर्थ इज गैस टर्बाइन, थर्ड इज गैस टर्बाइन एंड फोर्थ इज द जनरेटर, ओके। चाहिए तो उसके कॉम्पोनेंट्स हम साइड में लिख देते हैं। पहला कॉम्पोनेंट है कंप्रेसर, लिख सकते हैं इसे। सेकेंड इज कंबशन चेंबर, थर्ड इज वॉट, माई गैस टर्बाइन। ये तो हमें पता है गैस टर्बाइन क्या होता है, एंड फोर्थ वन इज जनरेटर, जो वो भी मुझे पता है। ओके, सो देयर आर फोर कंपोनेंट्स इन दिस, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग, ओके। सो दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास एक होता है हमारे पास कंप्रेसर, ओके। कंप्रेसर का क्या काम होता है दोस्तों, आपको पता है कंप्रेसर कोई भी चीज को कंप्रेस करेगा, राइट। तो इस केस में जो हमारा कंप्रेसर है वो एयर को कंप्रेस करेगा, क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा। जब एयर को कंप्रेस करेंगे तो गाइस एयर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, राइट। तो वो कंप्रेस एयर, प्रेशराइज्ड एयर हम देंगे कंबशन चेंबर को, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन इन द वर्किंग, फर्स्ट स्टेप I can write that down. Air is taken from the atmosphere. Air hum atmosphere se lenge, right? And compressed to a high pressure, in the compressor. ओके, तो कंप्रेसर में हमने क्या किया, एयर को कंप्रेस किया एंड वी सप्लाई दैट एयर टू द कंबशन चेंबर, ठीक है। अब वो एयर जो हमने कंबशन चेंबर में दी है उसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, वील पुट आल्सो फ्यूल इन इट, फ्यूल मतलब वील पुट नेचुरल गैस, ओके। हम उसमें नेचुरल गैस डालेंगे, अब नेचुरल गैस डालेंगे एंड वील आल्सो बर्न इट ताकि कंबशन हो जाए, आग लगे, मतलब अंदर कंबशन होगा। सो आई कैन से दिस कंप्रेस्ड एयर और दिस हाई प्रेशर एयर, आई मीन से यहां से जो रेड कलर में जो जा रहा है ना वो हाई प्रेशर एयर है, ठीक है, ओके। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं एचपी एयर, हाई प्रेशर एयर। सो दिस हाई प्रेशर एयर मिक्सेस विद द फ्यूल इन द कंबशन चेंबर, and undergoes combustion, okay, which makes it to go at a high temperature and pressure, short form में लिख रहा हूं। तो दोस्तों क्या हुआ, ये जो कंबशन चेंबर था वहां पर कंबशन हुआ, आग लगी, आग लगने की वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, राइट। सो जब यहां पर कंबशन हो गया फ्यूल और हाई प्रेशर एयर का, तो जब बाहर निकला यहां से कंबस्टन चेंबर से एयर, तो अब इसके पास हाई प्रेशर भी था और हाई टेम्परेचर भी था, ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर हो गया। बहुत छोटे में लिख रहा हूं ताकि हम समझ सके, ओके। नाउ ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर है, अब हम उसे देंगे टर्बाइन को, गैस टर्बाइन को। और दोस्तों हमें पता है टर्बाइन के ब्लेड्स पर जैसा जाकर के ऐसा जोर से लगेगा
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस, तो वो टर्बाइन रोटेट होगा, राइट, वो ड्राइव होगा, रोटेट होगा, एंड फाइनली जब वो रोटेट होगा तो वो जनरेटर को रोटेट करेगा एंड इट विल जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. सो लेट मी क्विकली राइट दैट डाउन. सो आई कैन से द हाई टेम्परेचर गैस drives the gas turbine, which drives the generator, comma, hence electrical energy is produced. इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है. पर दोस्तों ये जो हॉट गैसेस है जब वो गैस टर्बाइन के थ्रू जाते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, उनका प्रेशर भी कम हो जाता है, एंड वो जो बचे हुए गैस जो जलने के बाद जो धुआं निकलता है हम उसको एमिशन बना के एमिशन ऑफ हॉट गैस बना के निकाल देते हैं. ठीक है. सो एमिशन ऑफ हॉट गैस और गैसेज आई मीन सी आर रिलीज्ड फ्रॉम द टर्बाइन. टर्बाइन से हम उन्हें क्या करेंगे दोस्तों, रिलीज कर देंगे. ठीक है. फाइन. आई होप दैट इज क्लियर इनफ. इतना कंसेप्ट हमें समझ में आया है. फाइन. सो अब एनर्जी की बात करूं.